मिलानी नगर के मुरादाबाद रोड स्थित रॉयल बैंकेट हॉल में कश्यप समाज की एक बैठक आयोजित हुई। आयोजित बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पालिका अध्यक्ष रघुराज सिंह यादव का सभी कश्यप समाज के लोगों ने स्वागत किया। सर्वप्रथम भगवान महर्षि कश्यप के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर बैठक का शुभारंभ हुआ। आयोजित बैठक में सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। इस दौरान समाज को संगठित और एकत्र होने पर जोर दिया गया। इस दौरान बैठक में वक्ताओं ने विचार रखते हुए कहा कि समाज में जो कुरीतियां हैं उनको दूर किया जाए और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित बनाया जाए। पालिका अध्यक्ष रघुराज सिंह यादव ने कश्यप समाज को आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही बिलारी नगर में भगवान महर्षि कश्यप का एक भव्य पार्क भी बनवाया जाएगा। इस दौरान कश्यप समाज के सभी लोगों ने उनका आभार जताया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में ओमकार कश्यप, भीमसेन कश्यप, संतोष कश्यप, प्रदीप कश्यप, विष्णु कश्यप, गौरव कश्यप, राजकुमार कश्यप, राजीव कश्यप, राजेश कश्यप आदि कश्यप समाज के लोग मौजूद रहे। जैसा कि कश्यप समाज एक मेरा परिवार जैसा है, मैं जब पिछले चुनाव में लड़ रहा था तो उन्होंने एक परिवार जैसा मुझे साथ दिया और जिताने का काफ़ी काम किया, क्योंकि कुछ मोहल्ले जो बिलारी के जो वार्ड थे जिसमें से कहा जाता था कि भाई इधर जाना दूसरी पार्टी का बेकार है, इधर रघुराज के अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं है, ये आप लोगों की वजह से मेरी पहचान बनी। मैं हमेशा कश्यप समाज को अपना परिवार जैसा ही मानता हूं और मानता रहूंगा हमेशा। ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, कहीं आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि रघुराज जी पहले कुछ और थे और बाद में कुछ और थे, क्योंकि मैं एक नेता नहीं हूं, समाज से भी पहले भी था और आज भी उसी दिशा में काम कर रहा हूं। क्योंकि मेरा इलेक्शन में आने का मेन पर्पज था कि जो नेता भ्रष्टाचार करते हैं, कम से कम अगर मैं कोई काम करूं तो वो मेरी जैसा करने की कोशिश करेंगे, और शायद है पहले जो कार्य नेता करते थे उसमें काफी बदलाव देख रहे होंगे उनकी भी नियत में, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कुछ करके दिखाना होता है, क्योंकि नेता से ज्यादा घबराहट किसी को नहीं होती। अगर कोई दुकान वाला किसी दुकान के आगे दूसरी दुकान खोल ले और वो सस्ता बेचना शुरू कर देगा तो दूसरा आदमी क्या करेगा, उसके कंपटीशन में सस्ता ही तो बेचेगा। तो वही मैं इनको सबक सिखाने के लिए आया था, मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि नाई जी मुझे बहुत ज्यादा, भाई आप लोग प्यार करते थे, इससे बड़ी मेरी कोई पहचान नहीं थी। मैं शायद जिस गांव में जाता हूं मुझे एक अच्छी नजर से देखा जाता है, मैं बस यही पहचान चाहता हूं कि मुझे लोग हमेशा अच्छी नजर से देखते रहे। मैं समाज हित में कोई कार्य करूंगा, समाज के विपक्ष में जाके अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिसकी वजह से मेरे परिवार, मेरे आप लोगों को कहीं शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, ऐसा कोई कार्य रघुराज यादव भविष्य में नहीं करेगा। और हमने पहले भी कहा था, हमने अभी भी विचार कर लिया है कि हम अपने बोर्ड में एक जगह कश्यप समाज को देंगे। हमें 5 मेंबर मिलते हैं चुनने के लिए, जब भी हमें शासन से आदेश होगा तो एक कश्यप समाज का हमारे बोर्ड में एक मेंबर चुनेगा। दूसरा, कश्यप समाज के लिए हमने पहले भी कहा था कि कोई पार्क या कोई ऐसी जगह डेवलप करके देंगे कि जहां आपके कश्यप समाज की एक पहचान बिलारी में एक नजर दिखाई दे कि हाँ कश्यप समाज के लिए कुछ किया। वो हमने पहले भी किया था और आज भी हम दोहरा रहे हैं, हम जगह तलाश में हैं, हो सकता है कोई पार्क दें, और अगर पार्क ना भी दे पाए तो हम महाराज कश्यप जी के नाम से कोई मार्केट भी बना सकते हैं, एक नाम देंगे, वहां पर प्रतिमा भी लगाएंगे और नाम भी देंगे, तो आप निश्चिंत रहिए। और मेरा ही आपसे एक सुझाव है कि आप सबसे पहले संगठित रहिए, क्योंकि आप संगठन में रहेंगे तभी आपको कहीं भागीदारी मिल पाएगी, चाहे वो बीजेपी में भी हो। और जब तक आप बीजेपी में वोटर जरूर हो, मेरा मानना है कि आप जब तक अपनी मांग नहीं रखेंगे कहीं भी, भाई मांग रखेंगे तभी तो सुनवाई होगी। अगर बच्चा नहीं रोएगा तो उसे कभी कभी माँ दूध नहीं पिलाती, तो इसलिए अपनी आवाज आपको उठानी पड़ेगी। तो आप अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि आप आवाज कहीं किसी और के सामने नहीं उठा रहे, अपने परिवार के सामने उठा रहे हैं। तो आप बीजेपी के वोटर हैं, रहेंगे, मगर आपको उनसे कुछ मांगना पड़ेगा, तो मांगिए भेजे जाको के हम अपने परिवार में शर्म किस बात की, और हम पूरा प्रयास करेंगे, आपके साथ हैं,
आपकी मांग में हमेशा साथ रहेगा।